वेलकम स्टूडेंट्स, यहाँ पे एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर इज रिटन बाय रेमंड मर्फी, जो कि जिसका यूनिट कितना 8 तक हो गया है। अब नेक्स्ट यूनिट पे हम लोग आते हैं, यूनिट नंबर 9, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 8 नंबर तक आप नहीं देखे हैं तो यूनिट 8 तक आप उसे देख लेंगे, बाकायदा आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। यूनिट 9 में क्या दिया हुआ है, वक्त को बर्बाद न करते हुए डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं। आई हैव और आईव गॉट, इसे क्या पढ़ेंगे, आईव गॉट। तो इसमें यूनिट 9 में यही दिया गया है कि आई हैव और आई हैव गॉट का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए में दिया गया, यू कैन से आई हैव और आई हैव गॉट, ही हैज़ और ही इज़ गॉट, मतलब आप आई हैव भी कह सकते हैं या फिर आई हैव गॉट भी कह सकते हैं। मीन्स दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। कैसे, हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे आगे चल के। ठीक है, जैसे आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, आई हैव गॉट, और इसको शॉर्ट फॉर्म में आई हैव गॉट, वीव गॉट, यू गॉट एंड देव गॉट। वी हैव गॉट इसका सब शॉर्ट फॉर्म दिया गया है। वी हैव गॉट को हम लोग वी हैव को जब मिला देते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, वीव। आई हैव को मिला देते हैं आई, यू हैव को मिलाने के बाद यू, एंड दे हैव को मिलाने के बाद देव। तो यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल होगा। ठीक है, ही हैज़ गॉट यानी ही हैज़ को मिला देते हैं तो ही इज़ गॉट, सी इज़ गॉट एंड इट्स गॉट। जैसे कि यहाँ पे बोला जा रहा है आईव गॉट ए हेडेक, मतलब मेरे सर में दर्द है, या फिर आई हैव अ हेडेक, मतलब दोनों का मीनिंग क्या होगा, मेरे सर में क्या है, दर्द है। तो यहाँ पे हम लोग क्या सेंटेंस के थ्रू देखते हैं, ये सब आपको हिंदी में नहीं लिखना है, कोई बच्चा यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, उसी का बुक है। तो फिलहाल देखते हैं हम लोग, आई हैव गॉट ब्लू आइज, मतलब मेरी आंखें कैसी है, ब्लू है, मतलब मेरी दोनों आंखें कैसी है, ब्लू है। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का, बहुत सारे लोगों का क्या रहता है, आंखें कैसी रहती है, ब्लू कलर की रहा करती है। टीम हैज़ गॉट टू सिस्टर्स, टीम की कितनी बहनें हैं, दो बहनें हैं, और इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं, टीम हैज़ टू सिस्टर्स, मीन्स टीम हैज़ गॉट टू सिस्टर्स और टीम हैज़ टू सिस्टर्स, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। आवर कार has got four doors, हमारे पास जो कार है उसके कितने दरवाजे हैं, चार दरवाजे हैं। आप फिर ऐसा भी कह सकते हैं our car has four doors, मतलब दोनों का मीनिंग सेम होगा। डाइना isn't feeling well, डाइना को सही नहीं लग रहा है, मतलब उसकी तबीयत सही नहीं लग रही है। she has she's, इसको she has को मिला देते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, she's पढ़ते हैं। she's got a headache, उसे क्या है, उसके सर में दर्द है, या फिर she's got, या फिर she's got। दे लाइक एनिमल्स मीन्स वे लोग क्या है, जानवरों को पसंद करते हैं, मतलब उनको जानवरों को, उन लोगों को जानवरों से बड़ा लगाव है। दे हैव गॉट अ हॉर्स, दे हैव गॉट अ हॉर्स, थ्री डॉग्स एंड सिक्स कैट्स है, उनके पास क्या है, एक घोड़ा है, थ्री डॉग्स है एंड सिक्स कैट्स है, क्योंकि दे लाइक एनिमल्स। एंड अभी में आते हैं आई हैवन गॉट, आई हैव गॉट का हम लोग देख लिए, और हैव नॉट को मिलाते हैं तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, हैवन पढ़ते हैं, या फिर हैव यू गॉट। अब यहाँ पे दोनों का इस्तेमाल करेंगे, एक तो क्वेश्चन में बनाया गया, एक तो नेगेटिव का इस्तेमाल करके। ठीक है, तो नेगेटिव में देखते हैं, आई हैव नॉट को मिला दें, हैव नॉट को मिला देंगे तो क्या पढ़ते हैं हम लोग, हैवेंट, मतलब वी हैवेंट, यू हैवेंट, दे हैवेंट, आई हैवेंट गॉट, वी हैवेंट गॉट, दी यू हैवेंट गॉट, दे हैवेंट गॉट, ही हैज़ नॉट को मिला देंगे तो क्या पढ़ेंगे हम लोग, हैजेंट पढ़ेंगे। अब क्वेश्चन में यही क्या हो जाएगा, हैव और हैज़ क्या हो जाएगा, आपका पहले आने लगेगा, सब्जेक्ट से पहले आएगा। हैव आई, हैव यू, हैव यू, हैव दे, हैव वी, हैव आई गॉट, इसी तरह हो जाएगा, हैव वी गॉट, हैव यू गॉट एंड हैव दे गॉट, और हैज़ ही गॉट, Has she got and has it got? यहाँ पे क्वेश्चन में ये हमेशा ध्यान रखना है, हैज़ और हैव क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। आप इसका शॉर्ट आंसर भी दे सकते हैं, जैसे कि हैव यू गॉट ए कार, क्या आपके पास एक कार है, यस आई हैव, अगर है तो यस आई हैव, नहीं है तो नो आई हैवेंट। तो इस तरीके से हम नेगेटिव शॉर्ट आंसर दिया करते हैं, यस आई हैव, नो आई हैवेंट, नो वी हैवेंट, नो यू हैवेंट एंड नो दे हैवेंट। अब है तो क्या कहेंगे, यस ही हैज़, नो ही हैज़, नो शी हैज़ एंड नो इट हैज़न्ट, क्योंकि ही शी इट के बाद क्या लगता है आपका, हैज़ का इस्तेमाल होता है। आई वी यू दे के बाद क्या लगता है आपका, हैव का इस्तेमाल होता है। तो ये समझ में आ गया होगा। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे,
नेक्स्ट दिया गया है आपका, आई हैव गॉट ए मोटर बाइक बट आई हैवन गॉट ए कार। मेरे पास मोटर बाइक तो है लेकिन मेरे पास कार नहीं है। मिस्टर एंड मिसिस हैरिस हैवन गॉट एनी चिल्ड्रन। मिस्टर और मिसिस हैरिस का क्या है, एक भी बच्चे नहीं है। इट्स नाइस हाउस बट इट हैजन गॉट ए गार्डन। ये घर तो काफ़ी सुंदर है लेकिन इसमें गार्डन नहीं है। हैव यू गॉट ए कैमरा, जैसे यहाँ पे हम पढ़ रहे थे हैव यू गॉट का इस्तेमाल करना है और क्वेश्चन में क्या आपके पास कैमरा है, शॉर्ट आंसर देंगे तो नो आई हैवेंट, अगर रहेगा तो यस आई हैव। व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, आपके बैग में क्या है। नथिंग इट्स एम्प्टी, कुछ भी नहीं, ये तो खाली है। हैज़ एन गॉट अ कार, क्या एन के पास कार है। यस शी हैज़, हाँ उसके पास है, क्योंकि शी के बाद क्या लगता है, हैज़ लगता है। व्हाट काइंड ऑफ कार हैज़ सी गॉट, आखिर किस तरह की कार है उनके पास। ठीक है, जैसे बोला जा रहा है एन के, क्या एन के पास कार है, हाँ है, तो किस तरह की कार है। अब आते हैं पॉइंट सी में, आई डोंट हैव एंड डू यू हैव। ठीक है, तो यहाँ पे आई हैव गॉट का इस्तेमाल हम लोग कर रहे थे। इन नेगेटिव एंड क्वेश्चंस यू कैन ऑल्सो यूज डू एंड डस, नेगेटिव में भी और क्वेश्चन में भी आप डू और डस का इस्तेमाल कर सकते हैं। मीन्स आई है, दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन, मीन्स इसका इस तरह भी हम कर सकते हैं, दे हैव नॉट, दे हैवेंट गॉट एनी चिल्ड्रन, दे डोंट हैव एनी चिल्ड्रन और दे हैवेंट गॉट एनी चिल्ड्रन, दोनों का मीनिंग क्या होगा, सेम होगा। क्लियर है, डू और डस का और हैव और हैज़ का इस्तेमाल करके आप दोनों का मीनिंग सेम कर सकते हैं, दोनों की मीनिंग सेम है, इसमें कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है। इट्स नाइस हाउस बट इट हैजंट हैव अ गार्डन, ये इट डजंट हैव अ गार्डन। ठीक है, ये घर तो काफ़ी अच्छा है लेकिन इसमें गार्डन नहीं है। अब इसको इस तरह ही बना सकते थे, इट्स नाइस हाउस बट इट हैजंट गॉट ए गार्डन। यहाँ पे हैजंट गॉट का भी इस्तेमाल कर सकते थे और डजंट हैव का, दोनों का मीनिंग सेम होगा। हैजंट गॉट ए गार्डन का भी कह सकते हैं और फिर डजंट हैव ए गार्डन भी कह सकते हैं। डज एन हैव ए कार, क्या एन के पास कार है, या फिर एज हैज एन गॉट ए कार। हाउ मच मनी डू यू हैव, हाउ मच मनी डू यू हैव मीन्स आपके पास कितने पैसे हैं, हाउ मच कितने पैसे हैं, हाउ मच हैव यू गॉट, हाउ मच हैव यू गॉट, दोनों का मीनिंग एक ही होगा। हाउ मच मनी डू यू हैव एंड हाउ मच मनी हैव यू गॉट, तो दोनों का मीनिंग यहाँ पे डू और डज का भी और हैव हैव और हैज का भी दोनों पे देखते हैं तो दोनों का मीनिंग क्या रहेगा, सेम रहेगा। ये यहाँ पे सर ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लें, अब आते हैं एक्सरसाइज पे। यूनिट 9 के एक्सरसाइज देखते हैं हम लोग। तो 9 में क्या दिया गया एक्सरसाइज है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, यूनिट 9 दिया गया एक्सरसाइज है, अगर आपके पास बुक नहीं है तो यू कैन गेट इट फ्रॉम द बुक स्टॉल, आप इसे बुक स्टॉल से खरीद सकते हैं। अब जैसे वी हैव गॉट, इसको क्या कर सकते हैं हम लोग, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो किस तरह हो जाएगा, वी हैव गॉट। ठीक है, जैसा कि हम बता दिए हैं, दे हैव गॉट, दे हैव गॉट, इट हैज़ गॉट, इट्स गॉट, ही हैज़ गॉट, ही इज़ गॉट, सी हैज़ गॉट, सी हैज़न्ट गॉट, सी हैज़न्ट गॉट, she has not got का क्या हो जाएगा, she hasn't got, I have not got का क्या हो जाएगा, I haven't got, means have not को मिला देंगे तो क्या बन जाता है, haven't बन जाता है, जैसा कि हम देख बता दिए हैं। अब आते हैं क्वेश्चन यहाँ पे लिखने के लिए बोल रहा है, ये सब वर्ड का इस्तेमाल करके आपको क्वेश्चन बनाना है। हैव यू गॉट एन अम्ब्रेला, क्या आपके पास अम्ब्रेला है। हैव यू गॉट ए पासपोर्ट, क्या आपके पास पासपोर्ट है। हैज़ योर फादर अ कार, हैज़ योर फादर गॉट ए कार, क्या आपके फादर के पास एक कार है। हैज़ कैरोल गॉट मैनी फ्रेंड्स, क्या कैरोल की बहुत सारी दोस्त है। यू एनी ब्रदर्स और सिस्टर, मीन्स हैव यू गॉट एनी ब्रदर्स और सिस्टर, क्या आपके कोई भाई बहन है। हाउ मच मनी और वी के बाद हम लोग क्या लगाते हैं, हैव लगाते हैं, उससे पहले क्वेश्चन में यहाँ बताया जा रहा, तो हैव हो जाएगा। हाउ मच मनी हैव यू गॉट, हम लोगों के पास कितने पैसे हैं। कहीं पर मान लेते हैं आप लोग कहीं घूमने के लिए गए हैं, पिकनिक मनाने के लिए सारे दोस्त हैं, और वहाँ पे सब लोग क्या बोलेंगे कि अब हम लोग पास कितने पैसे बचे हैं। ठीक है, तो हाउ मच मनी हैव यू गॉट, और व्हाट है काइंड ऑफ कार जूलिया, मीन्स व्हाट काइंड ऑफ कार हैज़ जूलिया गॉट, व्हाट काइंड ऑफ कार हैज़ जूलिया गॉट, मीन्स जूलिया के पास आखिर किस तरह की कार है। 8.3 को देखते हैं हम लोग। व्हाट हैज़ टीना गॉट, यहाँ पे बोला गया व्हाट हैव यू गॉट, लुक एट द इन्फॉर्मेशन एंड राइट सेंटेंस अबाउट टीना एंड योर सेल्फ, यहाँ पे दोनों के बारे में बोलना है। ठीक है, एक तो टीना के बारे में भी और एक अपने बारे में भी, जैसे कि यहाँ पे पहला दिया गया टीना है ये और ये है आप हैं। ठीक है, आपके पास है, जैसे टीना क्या कह रही है, माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, इनके ब्रदर और सिस्टर हैं, तो
और उनके पास बाइसाइकिल नहीं है लेकिन कैमरा है, ठीक है। अब आप जैसे कि अ कैमरा, एक कैमरा यहाँ पे दिया गया, टीना हैज़ गॉट ए कैमरा, टीना के पास एक कैमरा है। अब आपके पास है या फिर नहीं, अगर है तो आई हैव गॉट ए कैमरा, अगर नहीं है तो आई हैवन गॉट ए कैमरा बाइसाइकिल। टीना के पास बाइसाइकिल नहीं है तो टीना क्या कहेगी, टीना हैज़न गॉट ए बाइसाइकिल। अगर आपके पास है तो आई हैव गॉट ए बाइसाइकिल, अगर नहीं है तो आई हैवन गॉट ए बाइसाइकिल। लॉन्ग हेयर, टीना का क्या है, लंबी बाल है, आप देख सकते हैं पिक्चर में। टीना हैज़ गॉट लॉन्ग हेयर, टीना के बाल कैसी है, लंबी है। अगर आपका है तो आई हैव गॉट लॉन्ग हेयर, अगर नहीं है तो आई हैवन गॉट लॉन्ग हेयर। अब ब्रदर्स एंड सिस्टर, टीना का ब्रदर्स भी है और सिस्टर भी है, तो टीना क्या कहेगी, आई टीना हैज़ गॉट, टीना हैज़ गॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स है। अगर आपका ब्रदर्स और सिस्टर है तो आप भी क्या कहेंगे, आई हैव गॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर नहीं है तो आई हैवन गॉट ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो ये समझ में आ गया। 9.3 और 9.4 पे आते हैं हम लोग। 9.4 में क्या दिया गया आपका, पुट पुट इन हैव गॉट और हैव गॉट, हैज़ गॉट स्कॉट, हैवन गॉट और फिर हैजन गॉट। तो यहाँ पे सारा हैजन गॉट ए कार, सारा के पास कार नहीं है। सी गोज एवरी वेयर बाई बाइसाइकिल, वो कहीं भी जाती है तो क्या इस्तेमाल करती है, बाइसाइकिल से ही जाती है। तो दे लाइक एनिमल्स, दे लाइक एनिमल्स मीन्स दे हैव गॉट 3 डॉग्स एंड 2 कैट्स। वे लोग क्या करते हैं, जानवरों से बड़ा लगाव रखते हैं, जानवरों को पसंद करते हैं, इसलिए उन लोगों के पास क्या है, 3 डॉग्स हैं और 2 कैट्स हैं। चार्ल्स इजंट हैप्पी, चार्ल्स क्या है, खुश नहीं है, बिकॉज ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम, उसके पास क्या है, बहुत सारी प्रॉब्लम है। दे डोंट हैव रीड मच, वे लोग बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, क्यों नहीं पढ़ते हैं, तो इसीलिए नहीं पढ़ते होंगे तो क्या होगा, उनके पास बहुत सारा बुक होगा या नहीं होगा। दे हैवन्ट गॉट मैनी बुक्स, जब नहीं पढ़ते हैं तो बुक भी नहीं होगा। वाट्स रॉन्ग, क्या हुआ, क्या बात है, आई हैव गॉट समथिंग इन माई आई, ठीक है, लगता है मेरी आँखों में कुछ पड़ गया है। वेयर इज़ माई पेन, मेरा पेन कहाँ है, आई डोंट नो, आई हैवन्ट गॉट इट, मेरे पास तो नहीं है, आप कहते हैं, ठीक है, या आई हैवेंट सीन इट, मैं तो नहीं देखा, लेकिन यहाँ पे हैव गॉट का इस्तेमाल करना है, या फिर हैवेंट गॉट, आई हैवेंट गॉट इट, मेरे पास तो नहीं है। जूलिया है, जूलिया वांट्स टू गो टू द कंसर्ट बट सी हैजन गॉट ए टिकट। जूलिया कहाँ जाना चाहती है, कंसर्ट तो जाना चाहती है, कंसर्ट प्रोग्राम होता है, डांस प्रोग्राम होता है, सिंगिंग प्रोग्राम होता है, ठीक है, तो उसके पास उससे जाना चाहती है कंसर्ट, लेकिन क्या होता है, उसके पास टिकट नहीं है, सी हैजन गॉट ए टिकट। तो यहाँ पे अब आते हैं लास्ट पॉइंट में, 9.5 में आप देख सकते हैं यहाँ पे। ये क्लियर अब समझ में आएगा आप लोगों को। 9.5 में क्या दिया गया आपका, कंप्लीट द सेंटेंसेस यूज हैव हैज हैव गॉट और हैज गॉट, हैवन गॉट और हैजन गॉट, प्लस वन ऑफ दीज में ये सब आपको इस्तेमाल करना है। ओके, एक और दो बता दिया गया है आपको, आई एम नॉट फीलिंग वेरी वेल, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आई हैव गॉट ए हेड एक, मेरा सर में काफ़ी दर्द है। इट्स नाइस हाउस बट इट हैज़न्ट गॉट ए गार्डन, ये घर तो काफ़ी अच्छा है लेकिन ये इसमें गार्डन नहीं है। तो हेड एक और गार्डन का आपको भरा आपको बना दिया गया। मोस्ट कार्स यहाँ पर क्या लगेगा, मोस्ट कार्स हैव गॉट 4 व्हील्स, ज़्यादातर गाड़ियों में कितनी होती है, 4 पहिया होती है, 4 चक्के हुआ करते हैं। एवरीबडी लाइक्स टॉम, सभी लोग टॉम को पसंद करते हैं, क्यों, जाहिर सी बात है, पसंद करते हैं तो क्या होगा, उसके बहुत सारे दोस्त होंगे। ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स, ही हैज़ गॉट अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स। आई एम गोइंग टू द डेंटिस्ट दिस मॉर्निंग, मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं डेंटिस्ट जा रहा हूँ, सुबह को मुझे डेंटिस्ट जाऊँगा, क्यों जाऊँगा, डेंटिस्ट के पास लोग क्यों जाते हैं, क्या टूथपेस्ट खरीदने के लिए, नहीं, वो क्या हो गया, उनका टूथेक होगा। ही हैज़ गॉट ए टूथेक, उसका क्या है, दांत में दर्द है, इसलिए डेंटिस्ट पर जाएंगे। ही कांट ओपन द डोर, उससे दरवाज़ा नहीं, वो उससे दरवाज़ा नहीं खुल सकता है, क्यों नहीं खुलेगा, जाहिर सी बात है कुछ प्रॉब्लम होगा, की नहीं होगा। ही हैज़न्ट गॉट ए की, उनके पास चाबी नहीं है। एन इंसेक्ट, इंसेक्ट किसे कहते हैं, कीड़ा मकोड़ा के इंसेक्ट कहते हैं हम लोग, ठीक है, तो एन इंसेक्ट क्या क्या होगा यहाँ पे, इंसेक्ट हैज़ 6 लेग्स, जितने भी इनसे इंसेक्ट होते हैं उनका कितना पाँव होता है, 6 पाँव हुआ करता है। वी मस्ट हरी, हम लोगों को क्या करना होगा, जल्दी करना होगा, क्यों जल्दी करेंगे भाई, कुछ होगा, कुछ प्रोग्राम होगा, क्यों जल्दी करेंगे, क्योंकि वी हैवन गॉट मच टाइम, हम लोगों के पास बहुत ज़्यादा टाइम
टाइम नहीं है, इसलिए हम लोग को जल्दी करना होगा। मतलब कहीं जाते होंगे घूमने के लिए या ट्रेन छूट जाएगी, इसलिए जल्दी करना होगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको यूनिट 9 समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो आप फिर से क्या कर सकते हैं, इसको दोबारा देख सकते हैं। इफ़ यू वॉन्ट टू अप्रिसिएट मी देन लाइक दिस पेज एंड लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू वॉन्ट टू आस्क एनी डाउट देन यू कैन कमेंट मी, एंड आप वहाँ पर पूछ सकते हैं कमेंट करके अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।